वन बाय वन अपनी अटेंडेंस बोलिए। सबसे पहले बुलबुल प्रेजेंट सर। आपका नाम बुलबुल ही है ना? हाँ। हरिया, दिव्यांशी प्रेजेंट सर। सर्विस प्रेजेंट सर। यशोदा प्रेजेंट सर। मनन प्रेजेंट सर। फिर प्रियंशु प्रेजेंट सर। सरस्वती प्रेजेंट सर। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज, अपन चल रहे थे कौन सी 1.3, उसके अंदर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे कौन सा क्वेश्चन है? So 1.6 divisions of integers, divisions of integers. और एक्सरसाइज कर रहे थे हम। तो 1.3 सर हो गई ना सर पूरी? यस सर। 1.3 क्वेश्चन किया। 1.3 अब 1.4 करते हैं आज एक्सरसाइज, ठीक है? यस सर। यस सर। 1.4 है, डिवीजन का है, इवोल्यूट द फॉलोइंग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। सर आप क्या करवा रहे हो अभी आप? एक्सरसाइज 1.4। सर स्क्रीन दिख रही है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1, ठीक है? क्वेश्चन 1 है, इवेल्यूएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन है माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? माइनस 30 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, यह आया माइनस का 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसका बी। बी है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। तो 50 को माइनस 5 से डिवाइड किया तो 5 की टेबल में कितनी टाइम आता है? 10 माइनस का 10। सी माइनस का 36 डिवाइड करना है माइनस के 9 से। माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 फोर जा 36। डी डी है माइनस का 49 डिवाइड करना है 49 से, ये कट गया तो आया माइनस का 1। ई क्वेश्चन है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 13 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। जब ये करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आएगा 13 अपॉन माइनस का 1, यानी कि माइनस का 13 हमारा आंसर। क्लियर है? समझ आ रहा है? नो सर। यस सर। नो सर। जीरो को अंदर कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे हम,
तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। ठीक है, जीरो अपॉन माइनस ट्वेल्व, हमेशा आंसर आएगा जीरो। जी करिए, ई एफ जी, जी है हमारे पास माइनस का 31 डिवाइड करना है माइनस 30 फिर प्लस माइनस का, मम्मी जी से माइनस का 31 अपॉन माइनस का 30 माइनस का 1 माइनस का 31। देखो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस। नीचे भी क्या आया, माइनस का 31, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं तो इसलिए ऐड हो गए। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से ये 31 कैंसिल, आंसर क्या आया, 1। ठीक है, माइनस का 36 डिवाइड बाय 12, फिर इसके अंदर डिवाइड है 3 का, यानी कि माइनस 36 में 12 से भाग देना है, फिर देना है 3 से। तो देखो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 36 अपॉन 12 इंटू 3, माइनस का 36, 12 इंटू 3 होते हैं 36, ये कट गया, आंसर आया माइनस का 1। क्लियर है सर, मुझे h समझ नहीं आया। देखो माइनस का 36 है, उसके अंदर 12 से डिवाइड करना है, फिर इनका जो भी डिवीजन आएगा उसके अंदर 3 से डिवाइड करना है, समझ गए। तो मैंने 36 में 12 से डिवाइड किया, फिर उसके अंदर कंप्लीट को 3 से डिवाइड किया, तो ये जो डिनोमिनेटर है ना ये नीचे आ जाएगा, तो ये 12 इंटू 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 से 36 कटेगा तो माइनस 1 आ जाएगा, समझ गए। यस सर। आगे देखिए, आई सही माइनस 6 प्लस 5, उसको डिवाइड करना है किससे, माइनस 2 प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 5, नीचे हो गया माइनस 2 प्लस 1, तो ऊपर आया माइनस का 1, नीचे भी आया माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आया। ये कर लीजिए पहला क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। हो गया कंप्लीट, हो गया सबको। यस सर। करते उसको। यस सर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई करना है दैट ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू A divided by B plus A divided by C हर एक के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वो है A equal to 12, B equal to minus का 4 और C equal to है 2। तो ये इस तरीके से करिए according to क्वेश्चन। तो ए की वैल्यू रखिए 12, बी की वैल्यू है माइनस का 4 प्लस सी की वैल्यू 2, नॉट इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। फिर ए डिवाइडेड बाय बी यानी कि 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, फिर प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 माइनस 4 ये बचेगा माइनस का 2,
तो कितना आएगा, ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, ये आया माइनस का 6, ये कितना आएगा माइनस का 3 प्लस का 6, माइनस का 6 नॉट इक्वल टू कितना आया प्लस का 3, क्या ये दोनों इक्वल है? नो सर, यही हमें वेरीफाई करना है, नॉट इक्वल आना चाहिए था, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं बी वाला। हो गया? यस सर, ले लिया सर। आगे देखते हैं बी वाला। बी है ए की वैल्यू कितनी है -10, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चंस है हमारे पास। ए की वैल्यू है -10, ओके, तो -10 डिवाइड करना है बी प्लस सी, बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 1, नॉट इक्वल आना चाहिए इसके, ए की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया -10 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया माइनस का 5 नॉट इक्वल टू, ये हुआ माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, माइनस 5 नॉट इक्वल टू -20, यही आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं ना? नो सर, ये भी हो गया वेरीफाइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ले लिया सर। आगे करते हैं, सी है। दो ही क्वेश्चन थे इसके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक करना है, 369 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, तो 369 आ जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं क्या x, ठीक है, 369 अपॉन x इक्वल टू 369, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, अप्लाई क्रॉस मल्टी, तो ये हो गया 369 अपॉन 369 इक्वल टू x, ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक करते हैं इसका,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं x माइनस का 75 डिवाइडेड बाई x माइनस का 1, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 75 अपॉन माइनस का 1 इक्वल टू x, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 75, ये हो गया x, ठीक है, ये आंसर क्लियर है? यस सर। शॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया सर, ले लिया। आगे करते हैं इसका सी। सी है माइनस 206, इसको डिवाइड करना है, पता नहीं आंसर आएगा 1। तो इसको किस तरीके से करेंगे, कोई यहां मान लेते हैं x माइनस का 206 कौन है, वन को इधर भेजा, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 206 कौन है, और ये आ गया इससे कटा तो आ गया माइनस का 20, ठीक है, ये आंसर ठीक है हमारे पास माइनस का 87 करना आंसर आना चाहिए। मान लेते हैं x माइनस का 87 अपॉन x इक्वल टू 87, अप्लाई माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 87 अपॉन 87 इक्वल टू x, ये कट गया माइनस 1 इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। e है x डिवाइड बाय 1 इक्वल टू माइनस का 87, तो x इक्वल टू x अपॉन 1 इक्वल टू माइनस का 87, x की वैल्यू आ गई माइनस 87, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। ले लिया? यस सर। यस एक्स इक्वल टू माइनस का 1, एक्स अपॉन 48 इक्वल टू माइनस 1, अप्लाई करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 48। अब करते हैं z, z है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि 20 अपॉन x इक्वल टू माइनस 2, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही किया तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 20 अपॉन माइनस 2, ये कट गया x इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। अब h है x डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू आ रही माइनस 3, x अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3, अप्लाई क्रॉस
मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इंटू फोर, ठीक है, आंसर आ गया एक्स इक्वल टू माइनस का स्क्वायर, ठीक है। यस सर, ले लिया सर स्क्रीनशॉट, ले लिया सर। मिटा दूं इसको? यस सर, यस सर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, टाइम हो गया, एक और कर लेते हैं लास्ट ही। राइट फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए और बी में सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी आना चाहिए माइनस का थ्री। जैसे एक पेयर यहां पर गिवन है जैसे सिक्स और माइनस टू, ये ए और बी है, ए सिक्स है एंड बी माइनस टू है, तो सिक्स अपॉन माइनस टू, सिक्स अपॉन माइनस टू किया तो माइनस थ्री आ रहा है आंसर। इस तरीके का पेयर बनाने हैं, तो पहला बनाते हैं हम 15 और माइनस फाइव का। तो जैसे ही मैं 15 को माइनस फाइव से डिवाइड करूं, माइनस का थ्री आ रहा है, दूसरा पेयर होगा फोर्थ क्वेश्चन 18 और माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस का थ्री। थर्ड एग्जाम्पल हो गया इसका माइनस 18 और 6, तो इसको माइनस 18 अपॉन 6, ये भी आ गया माइनस का थ्री। फोर्थ एग्जाम्पल हो गया इसका 21 अपॉन माइनस 7, 21 और माइनस 7, ये भी आ गया माइनस का थ्री। फिफ्थ एग्जाम्पल हो गया माइनस 15 और 5, तो ये हो गया माइनस का 15 अपॉन 5, ये भी माइनस 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सर? ले लिया सर। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ओके? यस सर, थैंक यू क्लास, मुझे Bye, sir.